देश का दिग्गज ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो 225 शहरों से बाहर निकल गया है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने 225 छोटे शहरों में अपना परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इन शहरों की परफॉर्मेंस बहुत उत्साहजनक नहीं थी। जोमैटो की तीसरी तिमाही के नतीजे बताते हैं कि इस फूड डिलीवरी टेक कंपनी के घाटे में इजाफा हुआ है। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 346.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इससे पिछली तिमाही में कंपनी को 251 करोड़ और एक साल पहले की समान अवधि में 63 करोड़ का घाटा हुआ था। फूड डिलीवरी बिजनेस में गिरावट के चलते कंपनी को ये नुकसान हुआ है। कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही की रिपोर्ट में कहा है, डिमांड में मौजूदा सुस्ती की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इससे फूड डिलीवरी प्रॉफिट्स में ग्रोथ प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमें लगता है कि हम हमारे मुनाफे के टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। जोमैटो भारत में सबसे अधिक यूज होने वाला फूड डिलीवरी ऐप में से एक है। इसने हाल ही में अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अपने गोल्ड सब्सक्रिप्शन को फिर से लॉन्च किया है। खास बात यह है कि 225 शहरों से बाहर निकलने का फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी 800 पदों के लिए लोगों को भर्ती करने की योजना बना रही है। कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही की रिपोर्ट में कहा है कि जोमैटो जनवरी में 225 छोटे शहरों से बाहर निकल गई है। इसने दिसंबर तिमाही में उसकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 0.3% का योगदान दिया था। इस फैसले के बारे में बोलते हुए कंपनी ने कहा, पिछली कुछ तिमाहियों में इन शहरों की परफॉर्मेंस बहुत अधिक उत्साहजनक नहीं थी। हमें नहीं लगता कि इन शहरों में हमारे निवेश का पेबैक पीरियड स्वीकार्य था। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का शेयर शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। ये शेयर 2.02% या 1.10 रुपए की गिरावट के साथ 53.30 रुपए पर बंद हुआ था। इस शेयर का 52 वीक का उच्च स्तर 95.30 रुपए और निम्न स्तर 40.55 रुपए है। BSE पर शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 45,580.80 करोड़ रुपए था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।